got drunk off your love, and I lost myself again. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीडी आवर डांस स्टूडियो। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो स्टेप से लर्न कर लिए होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कुछ उसकी बेसिक स्टेप, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे जो बेसिक स्टेप होंगे वो वैसे ही जो हमारी पिछली वीडियो में थे, बट थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा था ना, हमने ये लिया था, तो इसमें पैर आगे था, लेकिन अब हम इसमें पैर पीछे रखेंगे। ठीक है, तो पैर रखेंगे 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4। पैरों को हम पीछे रखेंगे, जिसके बाद हमने ये किया था 1 and 2। तो अब हमें पैर दूसरा पैर पीछे रखना है, तो 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। बेसिकली स्टेप है, अगर आप देखें, अगर हम पीछे कर तो पैर पीछे रहेंगे, तो पैर पीछे लाएंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब लेते हैं उतना दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप जो होगा, हमें इसको आगे क्रॉस करना है। अभी हमने पीछे क्रॉस किया था, अब हम इसको आगे क्रॉस करेंगे। किस स्टेप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। हैंड को कुछ नहीं करना, हैंड के स्टेप अपने अभी अभी नहीं है, अभी सिर्फ हम पैर के स्टेप लेंगे। तो हाथों को पीछे रख लेंगे, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। पिछले की तरह स्टेप है, जिस तरह हमने पैर पीछे रखेंगे, इसी तरह इस बार हमें पैर आगे रखेंगे। तो आगे के लिए सेम इसी तरह रखेंगे, 1, 2। और पैर को ध्यान रखना, हमें ऐसे नहीं करना, ना इस तरह झुकना है, फिर मैं स्ट्रेट रखना है। से 1 and 2, 3 and 4, पैरों को जितना स्ट्रेट करेंगे स्टेप पर उतना ही बेटर मिलेगा। बगैर ये हमारा बेसिक में चल रहा है, इसीलिए हमें स्ट्रेट रखना जरूरी है। 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4। चलिए अब आप करते हैं, आई हो आपने कर लिया। चलिए हम थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप हमारा वही है, पैर पीछे किया था हमने, तो पैर पीछे कर लिया। सेकंड वाले पैर को हम यहाँ रखेंगे, देन फिर सेकंड पैर को पीछे रख के यहाँ रखेंगे। समझे होंगे, एक बार देखिए कैमरा में थोड़ा पैरों पे जूम करिएगा ये। ओके, ये हम पैर हमारी ये निपट कर 1 and 2, एंड ये वाला हमने 3। अब यही पैर हमारा पीछे आया, 4 and 1। ओके, कंटिन्यू करते हैं, 1, 2, 3 and 4 and 5, कंटिन्यू, 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6, 7 and 8 and 9, कंटिन्यू, 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, कंटिन्यू, 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। ओके, 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये पैर हमें सिर्फ पैर पीछे करना है, कोई नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट। ओके, चलिए और करते हैं, और आई होप आपने स्टेप कर लिया होगा। तो सेम स्टेप हमें ये फोर्थ वाला जो है, सेम जैसा हमने पीछे पे किया था वही स्टेप करेंगे क्रॉस करके। तो इस बार हम आगे क्रॉस करेंगे, आगे किस तरह से करेंगे, स्ट्रेट ये हमारा बॉडी है, तो 1, 2, 3 and 4। ओके, कंटिन्यू, 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। ओके, पीछे जैसे किया था ये वाला करके सेम इसी प्रकार में आगे करेंगे, तो 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। कंटिन्यू, फिर से एक बार फिर से करते हैं, 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4।
ओके आई होप आप लर्न हो गए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड आई होप आपने स्टेप कर लिया होगा। अब हमारा आज का बिल्कुल लास्ट स्टेप है जो हम लास्ट स्टेप करेंगे। फाइव का हमारा जो स्टेप है वो हमें आगे चलने से हम लोग चलते हैं ना नॉर्मली, तो नॉर्मली चलना है हमारे पैर जो होते हैं उसमें हम दूर रखते हैं, तो हम पैर दूर रखेंगे। ओके कैसे रखेंगे? वन टू थ्री एंड फोर। पैर दूर है तो मैं स्टेप भी वन टू थ्री फोर। ओके वन टू थ्री फोर। हैंड मेरे देख ली ना, तो हैंड कुछ अभी हैंड का कुछ काम ही नहीं है, तो हैंड हम देंगे ही नहीं। ठीक है वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर। वैसे करते हैं वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आप कर लीजिए। और आई होप आपने स्टेप कर लिया। चलिए हम जो हमने शुरू से स्टेप किए ना सारे रिपीट करते हैं मेरे साथ, आप करिएगा। ओके काउंट पे करेंगे फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। आगे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ध्यान पीछे का क्रॉस आ, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ध्यान आगे का, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। देन हमारी जो लास्ट स्टेप था वॉकिंग, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री। ओके तो आपने स्टेप सारे देख लिए हैं, सिंपल स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो आप हटिए और उनको सीखिए। देन इसके बाद पार्ट थ्री भी हमारे पास चल रहा है, तो आप ये लर्न करके पार्ट थ्री का सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स आई होप आपने स्टेप सारे क्लियर कर लिए होंगे। तो देन अगर आपको इसके पहले पार्ट के वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और हाँ हमारी वीडियोज में आप कपड़े शॉपिंग भी कर सकते हैं, कपड़े मिलते हैं जैसे कि हमारे गेडिया प्लस फाइव का कूपन यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और हमारे लिए स्टडी मटेरियल है जैसे कि बच्चों के पेपर आ रहे हैं तो स्टडी मटेरियल हमारे लिए चार्ज मिलते हैं, तो आप चार्ज भी ओपन ले सकते हैं जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जरूर लीजिए। और हाँ हमारे वीडियो के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसको वीडियो लगातार कंटिन्यू मिलते रहे, तो वीडियो को शेयर भी करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदारों में ताकि आपके घर में जो है वो भी डांस सीख सकें। कीप वॉचिंग कीप लर्निंग डांस स्टूडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।